अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लास, क्लास 3। होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम एंड एक्साइटेड फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई एम टेकिंग योर साइंस क्लास इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। काइंडली ओपन द बुक, यूनिट नंबर 1, पेज नंबर 1, चैप्टर लिविंग थिंग्स। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर। लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर टू लिव। लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर टू लिव। क्या मतलब हुआ इसका? तमाम जानदार चीज़ों को हवा की, खाने की और पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। नाउ टर्न द पेज, कम टू द पेज नंबर 2, लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जानदार चीज़ों की, लिविंग थिंग्स की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में। ओके, There are many kinds of living things on earth. हमारी इस ज़मीन पे बहुत तरीके के जानदार पाए जाते हैं। Earth is the only planet which has water and a gas called oxygen. हमारी ज़मीन जो है वो एक planet है, जैसा कि आप सब जानते हैं, मतलब वो वाहिद planet है जिसमें water भी है और oxygen भी है। All living things need water and oxygen to live. They also need food. तमाम जानदार चीज़ों को पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। They also need food. उन्हें ज़िंदा रहने के लिए खाने की भी ज़रूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सकें, बढ़ सकें। Living thing need air. तमाम जानदार चीज़ों को हवा की भी ज़रूरत होती है। हवा में क्या होती है बेटा हमारी? ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन पाई जाती है जिसे सांस लेने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग जो चांद पे जाते हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे जाते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जाते हैं। या फिर कुछ लोग जो बीमार होते हैं, वो सही तरीके से ब्रेथ नहीं कर सकते, तो उन्हें आर्टिफिशियली ऑक्सीजन दी जाती है। बट हमारी फिज़ा में, हमारे इन्वायरमेंट में अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन प्रोवाइड की हुई है। अल्लाह ताला ने हमें नेचुरली ऑक्सीजन दी हुई है जिसे हम सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग नीड एयर, हम सबको ज़रूरत है, यानी कि लिविंग थिंग्स जो भी हैं, सिर्फ इंसान नहीं, उनमें जानवर भी आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं और इंसान भी आते हैं। व्हेन वी ब्रेथ इन, जब हम सांस लेते हैं, वी टेक इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं फ्रॉम द एयर, हम अपने इन्वायरमेंट से। हमारे इन्वायरमेंट में मैं आपको बता चुकी हूँ ऑक्सीजन है, उससे हम क्या लेते हैं? सांस अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन हेल्प टू बर्न द फूड दैट इज इन साइड अवर बॉडी। ऑक्सीजन मदद करती है फूड को बर्न करने में। अब ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड एक केमिकल रिएक्शन से गुजरता है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है वो हमारा फूड बर्न हो जाता है, यानी कि बर्न मतलब जलना नहीं, केमिकल रिएक्शन की वजह से वो चेंज हो जाता है। किस चीज़ में? ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, फिर वो हमारी बॉडी में, ब्लड में शामिल हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो है वो केमिकल रिएक्शन में हमारी बॉडी में हेल्प करती है फूड को ब्लड में शामिल होने के लिए, और वो एनर्जी बन जाती है। एनर्जी हेल्प्स लिविंग थिंग टू मूव एंड वर्क। और वो एनर्जी हमें मूव करने के लिए चाहिए होती है कि हम अपने रोज़मर्रा के काम निपटा सकें, स्टडीज़ हो या जो भी वर्क हो हमारा। टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड ब्रेथिंग। जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे ब्रेथिंग कहा जाएगा। किसको? ऑक्सीजन अंदर लेने को क्या कहते हैं हम? ब्रेथिंग, सही है, सांस लेना। एक्चुअली वो सांस लेना क्या है? हम ऑक्सीजन अपनी इन्वायरमेंट से अपने अंदर ले रहे हैं। फ्रेश ब्रेथ द ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व इन द वाटर इन विच दे लिव।
यहाँ पे फिश की बात की गई है, फिश भी क्या है, लिविंग थिंग है ना, जानदार चीज़ है, तो वो भी ऑक्सीजन को ब्रेथ करती है। आपको मैंने क्या बात कही सबसे पहले, ऑल लिविंग थिंग नीड एयर, तमाम लिविंग थिंग को ज़रूरत है किसकी, ऑक्सीजन की, सही है। तो फिश भी एक लिविंग थिंग है, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, अब आप कहेंगे वो तो एनवायरनमेंट में नहीं है, फिश तो वाटर में रह रही है, तो वो कैसे सांस लेती है, फिश के पास होते हैं गिल्स, देखिए लिखा हुआ है दे ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स, इनके फेस के पास, ये पिक्चर में देखिए फेस के पास इनके यहाँ पे नीचे पे डाउन साइड पे इनके गिल्स बने हुए हैं, ये अपने गिल्स के जरिए सांस लेती हैं। और ऑक्सीजन कैसे लेती हैं वो आपको बता रही थी कि वाटर के अंदर हमारे ऑक्सीजन होती है, पानी जो है पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, उस ऑक्सीजन को फिश जो है वो सांस लेती हैं, तो वो वाटर के ज़रिए ऑक्सीजन भी उनकी बॉडी में चली जाती है जिससे वो ब्रेथ लेती यानी सांस लेती हैं। एनिमल लिविंग ऑन लैंड ब्रेथ बाय टेकिंग एयर इनटू देयर लंग्स, अच्छा जो जानवर ज़मीन में रहते हैं, ये तो हमने फिश की बात कर ली, अब जो जानवर ज़मीन में रहते हैं वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, वो लंग्स के ज़रिए लेते हैं, लंग्स क्या बेटा, फेफड़े, फेफड़ों के ज़रिए वो क्या लेते हैं, अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, प्लांट्स आल्सो ब्रेथ, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, अब आप सोचेंगे कैसे, तो पढ़िए आगे, दे टेक इन एयर थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स, जो आपके पत्ते होते हैं पौधों में उनमें बहुत बहुत टाइनी जो है वो होल्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक सुराख होते हैं, इन टाइनी होल्स को कहा जाता है स्ट्रोमेटा, क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड स्ट्रोमेटा, व्हाट आर कॉल्ड, स्ट्रोमेटा, सही है, ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रोमेटा कहलाते हैं, इसके ज़रिए ये ब्रेथ लेते हैं, इनके ज़रिए ऑक्सीजन जाती है इन्वायरमेंट से किस में, प्लांट में, थ्रू विच, थ्रू स्ट्रोमेटा। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी, अच्छा जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं, बारीक जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो कैसे सांस लेते हैं, उनकी बॉडी में भी होल्स होते हैं, सही है, उनकी साइड बॉडी में अपवर्ड, किसी में डाउनवर्ड, तो वो वहाँ से ऑक्सीजन एयर से ले लेते हैं, इस तरह वो भी ब्रेथ करते हैं। क्योंकि मैंने आपसे ये बात डिस्कस की थी, इस पेज का पॉइंट ही मेन ये है, लिविंग थिंग्स नीड एयर, तमाम लिविंग थिंग, मैंने आपको फिश का बताया, मैंने आपको एनिमल्स का बताया, मैंने आपको इंसेक्ट्स का बताया, पिक्चर में भी आपको मैं बता चुकी हूँ गिल्स हैं, ये प्लांट्स है, प्लांट्स का लीफ है ग्रीन लीफ, इसका स्टोमेटा है, ठीक है, बारीक 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 होल्स होते हैं जो आपको नहीं नज़र आते, एक लीफ अगर आप निकालेंगे तो आपको स्ट्रोमेटा नज़र नहीं आएंगे, मगर एक्चुअली वहाँ पे होते हैं। अच्छा ये आपको लैंड एनिमल के बारे में बताया गया, जैसे कैट है वो लैंड में रहती है तो वो सांस लेती है अपनी लंग्स के जरिए। नाउ वी आर डन पेज नंबर 2, हमने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, नाउ मूव फॉरवर्ड टू पेज नंबर 3, The heading is living thing need water. Of course, आप सबको पता है कि living things यानी जानदार चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है, सिर्फ इंसानों को नहीं तमाम जानदार चीज़ों को, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर सकती चुकी हूँ लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाते हैं, पौधे, इंसान, जानवर, ठीक है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ वाटर, तमाम जानवर ज़्यादातर पानी से बने हुए, 3/4 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, अब हमारी बात क्यों हो रही, वी ऑल्सो ऑल लिविंग थिंग, ह्यूमन बींग्स हैं हम, ह्यूमन बींग्स भी एक लिविंग थिंग है, तो हमारी बॉडी का 3/4 मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारी बॉडी का किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। वाटर हेल्प्स टू कैरी फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, इसका क्या मतलब है, वाटर मदद करता है फूड को इधर से एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ले जाने के लिए। इट स्टॉप द बॉडी फ्रॉम बिकमिंग ड्राई, ये बॉडी को ड्राई होने से रोकता है। वैन वी फील थर्स्टी, थर्स्टी मीन्स क्या बेटा, थर्स्टी मीन्स प्यास से, जब हमें प्यास लगती है, जब हम प्यास महसूस करते हैं, इट मीन्स आवर बॉडी नीड वाटर, तो इसका मतलब है हमें हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत है, थर्स्टी मीन्स प्यास, सही है। प्लांट यूज वाटर टू मेक फूड, प्लांट को पानी क्यों चाहिए, प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, आप सब जानते हैं, आप सबने किसी ने
प्लांट को कभी ईट करते हुए नहीं देखा होगा, बिकॉज प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं वाटर और सनलाइट की मौजूदगी में। ठीक है, वाटर हेल्प्स प्लांट टू स्टैंड अपराइट, पानी मदद करता है पौधों को स्टैंड अपराइट मतलब सीधा खड़ा रहने में। जैसे कि प्लांट है, अगर इसको अच्छा पानी मिला हुआ है तो ये स्ट्रेट है, अगर आप इसे दो दिन पानी नहीं देंगे तो इसके पत्ते डाउनवर्ड्स लेंगे, थोड़ा सा मुरझा जाएंगे। तो पानी की वजह से ये प्लांट स्टैंड अपराइट है यानी कि सीधा है। इफ़ वी डू नॉट वाटर अ प्लांट, जब हम पानी नहीं देंगे इट ड्राइज अप, ये खुश्क हो जाएगा एंड डाइज और फिर ख़त्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा। अंडरस्टैंड, आवर बॉडी नीड्स वाटर, हमें भी पानी की ज़रूरत है। प्लांट नीड वाटर टू मेक फूड, और प्लांट को तो ज़रूरत है, प्लांट को जो हम पानी देते हैं वो पानी, फिर वो जो हवा, आपको मैंने क्या बात कही थी पेज नंबर 2 पे कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो जो हमने वाटर दिया और जो उन्होंने ऑक्सीजन लिया एनवायरनमेंट से, और थर्ड चीज़ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट सूरज की रोशनी, और फोर्थ चीज़ जो पत्ते ग्रीन हैं ये किस वजह से, एक इनके पास केमिकल होता है क्लोरोफिल, उनकी वजह से। तो ये चारों चीज़ें मिलके प्लांट सनलाइट में अपना जो है खुद फूड बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। ये इसमें आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी गई मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपको कि लिविंग थिंग्स को वाटर की ज़रूरत क्यों होती है और कितनी ज़्यादा उनको जो है वो नेसेसरी है वाटर। अच्छा, ये आपको पेज 3 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको और जो चैप्टर रिमेनिंग चैप्टर है वो एक्सप्लेन करूँगी, एक्टिविटीज़ करवाऊँगी, और जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन और एक्टिविटीज़ जो बुक में डन करने के बाद एंड हो जाएगा ये चैप्टर, तो फिर आपको इस चैप्टर के वर्किंग, जो भी वर्किंग है इस लेसन की, वो आपको सेंड कर दी जाएंगी और आफ्टर फ्यू डेज़। ठीक है, और आपको ये SMS और WhatsApp के ज़रिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो स्कूल से आके आप रिसीव कर लें। तो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।